प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था सूत्र परावर्त्य योजित द्वारा समीकरण हल करना। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सूत्र शून्यम साम्यम समुच्चय द्वारा समीकरण हल करना। पिछले वीडियो में सूत्र परावर्त्य योजित में हमने चार अनुप्रयोग सीखे थे। इस सूत्र में हम छह अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे और उनके आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे। पहला अनुप्रयोग है अनुप्रयोग नंबर एक। समीकरण के सभी पदों में x या कोई चर उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो तो चर राशि का मान जीरो प्राप्त होता है। दूसरा अनुप्रयोग है समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य के समान रखने पर प्राप्त होता है। दोनों अनुप्रयोगों के आधार पर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया अर्थात शून्य प्राप्त होता है, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया क्वेश्चन नंबर एक ए एक्स माइनस एक प्लस बी एक्स माइनस एक
बराबर सी एक्स माइनस एक प्लस डी एक्स माइनस एक बराबर, इसमें x का मान प्राप्त करना है तो समीकरण के लिखेंगे, समीकरण के सभी पदों में x माइनस एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, अतः शून्यम साम्यम समुच्चये सूत्र से x माइनस एक बराबर जीरो होगा, तो x बराबर पक्षांतरण कर ले यहाँ पर माइनस एक का पक्षांतरण करेंगे तो एक, इसका आंसर या हल प्राप्त होगा। दूसरा अनुप्रयोग का क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं इसी अनुप्रयोग का, जैसे क्वेश्चन नंबर दो लेते हैं इसका, 9x प्लस 4x बराबर 5x प्लस 10x, हल प्राप्त करें तो समीकरण के सभी पदों में x सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, अतः शून्यम साम्यम समुच्चये सूत्र से x बराबर जीरो प्राप्त होगा, यानी समीकरण के सभी पदों में कोई चर उभयनिष्ठ है तो उस चर का मान शून्य साम समुच्चय सूत्र से हमेशा ही जीरो प्राप्त होगा। आप उत्तर की जांच के लिए उत्तर के मान को प्रश्न में रख के देखें तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। 9 गुणा जीरो करें तो जीरो, 4 गुणा जीरो करें तो जीरो, जीरो में जीरो जोड़ें तो जीरो, इधर 5 गुणा जीरो करें तो जीरो, 10 गुणा जीरो करें तो जीरो, और जीरो में जीरो जोड़ें तो जीरो, तो दोनों पक्षों का जो सॉल्यूशन है वो जीरो प्राप्त होगा। इस प्रकार हम x का मान जीरो प्राप्त करेंगे। अब दूसरे अनुप्रयोग के आधार पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने तीसरा, जैसे 2x प्लस 1 प्लस
एक्स प्लस तीन बराबर पाँच एक्स प्लस चार। अब देखें दोनों ब्रैकेट में वाम पक्ष में स्वतंत्र पद हमारा तीन और एक चार, इनका योग होगा चार और इधर भी चार है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद यानी दोनों ब्रैकेटों के बीच में जब प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों अंक प्लस होंगे और स्वतंत्र पद तीन और एक चार बनेगा, इधर भी चार है तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद बराबर चार समान है तो शून्यम साम्यम समुच्चय सूत्र से x बराबर जीरो हल प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, जैसे x प्लस एक x माइनस नौ बराबर x माइनस तीन और x प्लस तीन, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद इधर कितना बैठ रहा है, नौ गुणा एक करते हैं, दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है तो नौ नौ समान है, इधर तीन गुणा तीन करेंगे तो नौ माइनस नौ या नौ समान है, अतः है या माइनस नौ लिखते हैं, अतः है शून्यम साम्यम समुच्चय सूत्र से x बराबर जीरो ही प्राप्त होगा। इस प्रकार शून्यम साम्यम समुच्चय सूत्र के हम दो अनुप्रयोग सीख चुके हैं, अब हम लिए चलते हैं आपको तीसरे अनुप्रयोग की ओर। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग नंबर तीन कि समीकरण के दो पक्षों दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा दोनों पक्षों के हरों का योग समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो निश्चित अनुपात में हो
तो चर राशि का मान किसी एक योग को शून्य के समान रखने पर शून्य के समान रखने पर प्राप्त होता है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3x+2 पांचवा है क्वेश्चन, 3x+2 बटे 5x+7 बराबर x+1 बटे 3x-7। वाम पक्ष में और ये दक्षिण पक्ष, तो दोनों पक्षों के अंशों का योग करो। पहले दोनों पक्षों के अंशों का योग 3x+2 + x+1 कितना आएगा, 3x और x 4x, 2x + 3 + 3 और दोनों पक्षों के हरों का योग 5x+7 + 3x-1 5x + 3x कितना हो गया 8x और सब प्लस 7 और माइनस 1 प्लस के 6। अब देखने पर स्पष्ट होता है कि दोनों योग समान नहीं हैं। अब इनका अनुपात निकाल के देखते हैं, तो एक व दो का अनुपात बराबर 4x+3 / 8x+6। इसमें से दो कॉमन निकाल लो नीचे वाले में से, 4x+3 / 2 कॉमन निकाला तो दो का भाग दो दोनों पदों में, 4x + 6 में दो का भाग दिया तो 3। इनको 4x+3 और 4x+3 को काट दिया, एक बार भाग गया तो 1/2 अर्थात इनका जो अनुपात है वो प्राप्त होगा 1:2। यानी यदि दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग समान नहीं आता है तथा एक निश्चित अनुपात में आता है, तब भी शून्यम साम समुच्चय सूत्र से शून्यम साम्यम समुच्चय सूत्र से किसी एक योग को जो आपको उचित लगे अच्छा लगे शून्य के बराबर रख के देखो, 4x+3 = 0 तो चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। पक्षांतरण करें और 4x = -3 और x = -3/4। इस प्रकार से
दोनों पक्षों का अंशों का योग और हारों का योग एक निश्चित अनुपात में हो तो चर राशि के मान को जीरो के बराबर रखने पर हम उसका हल प्राप्त कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं। जैसे 3x+4 बटे 5x+2 बराबर 5x+2 बटे 3x+4, तो दोनों पक्षों के अंशों का योग करें। 3x+4+5x+2 योग करें, 3x और 5x 8x+4+2 6। ऐसे ही दोनों पक्षों के हारों का योग करें, 5x+2+3x+4। 5x और 3x कितना हो गया, वही 8x और 4+2 6। दोनों पक्षों के अंशों का योग और हारों का योग समान आया है, अतः शून्यम समुच्चय सूत्र से किसी एक योग को शून्य के बराबर रखिए। 8x+6=0 पक्षांतरण करें तो 8x=-6x=-6/8। ये दोनों अंश और हर में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे लें, 2 * 3 = 6 और 2 * 4 = 8, तो x = -3/4, चर राशि x का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने अनुप्रयोग नंबर 3 क्लियर कर लिया है और अब चलते हैं अनुप्रयोग नंबर 4 पर। यदि समीकरण के 2 पक्ष हों, अनुप्रयोग नंबर 4 समीकरण के 2 पक्ष हों में एक पक्ष के 2 पक्षों में एक पक्ष के अंश वे अंश वे हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो तो चर राशि का मान किसी एक अंतर को एक पक्ष के अंतर को शून्य के समान रखने पर प्राप्त होता है। दोबारा से देखें, समीकरण में 2 पक्ष हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, तो एक पक्ष का अंश और हर का अंतर निकाल लें। इसी प्रकार दूसरे पक्ष का अंश और हर का अंतर निकाल लें। यदि वो दोनों समान हैं या एक निश्चित अनुपात में हैं तो इसी एक अंतर को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता
है, जैसे 5x प्लस 7 बटे 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बटे 3x प्लस 5। तो वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर निकालें, 5x प्लस 7 माइनस 2x। जब अंतर निकालेंगे तो इनका चिन्ह दोनों का ही प्लस का माइनस होगा, माइनस 1 बराबर 5x माइनस 2x, 3x शेष बचा, 7 माइनस 1 प्लस का 6 शेष बचा। और अब दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर, दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर एक्स बड़ी जो संख्या है उसको पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 1 प्राप्त हुआ है, 3x में से x कम हो गया 2x और 5 माइनस 1 प्लस का 4। क्या ये अंतर समान आया है? यहाँ पर अंतर था 3x प्लस 6, यहाँ पर अंतर है 2x प्लस 4, जी नहीं। तो अब इनका अनुपात रेशो निकाल कर देखें, 1 व 2 का अनुपात निकाल कर देखें, तो 3x प्लस 6 बटे 2x प्लस 4। अंश के दोनों पदों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ आएगा x प्लस 3 दूनी 6 2 बटे हर के दोनों पदों में क्या कॉमन है? 2। अब दोनों पदों में 2 का भाग दें, x प्लस 2 दूनी 4 और ये x प्लस 2 का भाग देकर कट जाएंगे, 3/2 अर्थात अनुपात प्राप्त होगा 3:2। अब देखने पर स्पष्ट होता है कि चूंकि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में दोनों पक्षों के अंश और हर का अंतर समान नहीं है, परंतु एक निश्चित अनुपात 3:2 में है, अतः शून्यम साम समुच्चय सूत्र से किसी एक अंतर को 2x प्लस 4 को किसी भी एक अंतर को शून्य के बराबर रखेंगे, चाहे ये रख लें 3x प्लस 6, चाहे ये रख लें 2x प्लस 4। जीरो के बराबर रखने पर x की वैल्यू ज्ञात होगी, x का मान प्राप्त होगा, चर का मान प्राप्त होगा, तो 2x बराबर पक्षांतरण करें माइनस 4, तो x बराबर माइनस 4/2, x बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2, x का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार शून्यम साम्यम समुच्चय सूत्र के 4 अनुप्रयोग हम सीख चुके हैं, और अगले वीडियो में हम 5वां और 6वें अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।